किशनगंज खागरा, नरकटियागंज और सद्दीनगर सोनभद्र से एसएससी जीडी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपका भी हाइट कम है तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा और चार ऐसे डॉक्यूमेंट को ले जाना है जिसके वजह से आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुक पाएगा। ये सिलेक्शन डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं लेके गए तो सिलेक्शन में आपको हो सकती है दिक्कत। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं अभिषेक तिवारी ब्लॉग। एसएससी जीडी की फिजिकल की जो वीडियो है वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रही है, देखने को मिल रही है। तो आपको यही बताएगा कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किशनगंज खागरा की। तो किशनगंज खागरा का ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब उतना भी बढ़िया नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऊंचा नीचा रोड है। आपको ये है कि दोनों साइड से पेड़ पौधे मिलेंगे तो आपका जो रनिंग है वहाँ का काफ़ी बढ़िया हो सकता है, बस प्रैक्टिस। और रनिंग के लिए एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रनिंग करने से पहले आप जरूर कुछ ना कुछ खा लिया करिए, हल्का डाइट लिया करिए, ज़्यादा नहीं खाइए, और इलेक्ट्रॉन पाउडर का यूज़ जरूर करिए, पानी में डाल के इलेक्ट्रॉन पाउडर घोर के उसको जरूर पीजिया करिए। बात करते हैं नरकटियागंज की। तो नरकटियागंज का जो रनिंग का ट्रैक है वो आपको लगभग ज़्यादा चांस है कि ग्राउंड में दौड़ा रहा है, और वो क्या बोलते हैं, पैर में एक मीटर वाला बांध रहा है ताकि उससे आपका 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो सके। तो वहाँ का भी रनिंग काफ़ी बढ़िया है, मेरे और भी दोस्तों गए हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वहाँ का भी लाइव रिपोर्ट आपको हम शाम तक जरूर और सारा कुछ बताएंगे। बात करते हैं शक्तिनगर सोनभद्र की। तो शक्तिनगर सोनभद्र का जो कैंप है उतना ज़्यादा तो बढ़िया नहीं कह सकते, वहाँ पे हर बैच का जो रनिंग का टाइमिंग है वो 8 बजे से ही स्टार्ट हो रहा है। सोनभद्र में कल के डेट में 8 बजे रनिंग किया गया, जिसमें से 160 बच्चों को एक बार में ले गया गया और 90 बच्चों का सिलेक्शन किया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं चेस्ट और हाइट की। तो चेस्ट में मतलब क्या ही बोले, बहुत रेयर केस के चलते भी बच्चों को रिजेक्ट कर देता है। अगर आपका भी चेस्ट 80 से 85 के बीच में नहीं है, 78 है, 79 है, तो ये जो वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम कुछ और एक शाम में वीडियो अपलोड होगा, उसमें एक ऐसा टिप्स बताएंगे, एक ऐसा लाइव प्रूफ के साथ आपको एक चीज़ बताएंगे जिससे अगर आपको चेस्ट में परेशानी हो रही है या फिर अगर आपका हाइट जो है सो 170 से 0.3 हाइट के चलते बच्चे छट रहे हैं, 169.7 का बच्चा था और उसका 0.3 के चलते उसका सिलेक्शन नहीं हो, उसका लाइव प्रूफ हम दिखाएंगे। ये भी नहीं कि हम मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं, एकदम लाइव प्रूफ आपको हम दिखाएंगे उसका। तो आप लोग शाम का वीडियो का इंतजार कीजिए, शाम में भी एक वीडियो आने वाला है, उसमें लाइव प्रूफ बताएंगे कि हाइट में कैसे, अगर आपका कम हाइट है तो बच सकते हैं, चेस्ट में कैसे बच सकते हैं, रनिंग का क्या टिप्स है कि वॉच जरूर पहन के जाइएगा, हर जगह वॉच पहनना अलाउ है, और हाँ किसी के बहकावे में मत आइएगा, एक्स्ट्रा मोटिवेट भी मत होइएगा। अगर कोई बंदा बोलता है कि हाँ 200 मीटर है तो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग ही दौड़िएगा। जब तक आपको लाल झंडा नहीं दिख जाता है तब तक आप अपने रेस को स्पीड मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो तो है ना वो मोटिवेट तो करते हैं, पॉजिटिव मायने में करते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा मोटिवेट कर देते हैं, जो कि हमारे साथ हुआ। हम 1 किलोमीटर पीछे थे और हमको लोगों ने बता दिया कि 200 मीटर पीछे है, हम पूरा ताकत लगा दिए और जब 300-400 मीटर गए मेरा सिलेक्शन नहीं होने पाया क्योंकि बहुत ज्यादा ताकत लगा दिए, थक गए, नहीं दौड़ने पाए। इसीलिए आप जब भी जाइए तो अपना वॉच लेके जाइए, अपना टाइम मेंटेन करिए। अब बात करते हैं, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो रनिंग का ट्रैक है उस पर किलोमीटर वाइज शो किया है कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरू कैंप, बीएसएफ कैंप हजारीबाग की। तो वहां पे आपको डिस्टेंस बताया गया है लेकिन रोड के नीचे है, तो रोड के नीचे जब 100-150 बच्चे चलते हैं तो वहाँ पे पता नहीं चलता है, तो वो चीज़ के लिए सावधान हो जाइए। बात करें किशनगंज खागरा की, तो वहाँ पे किशनगंज खागरा में सारा कुछ एकदम अच्छा खासा बताया हुआ है। नरकटियागंज में ग्राउंड है, ग्राउंड में आपको एक पैर में बांध दिया जाएगा और उसमें दौड़ाया जाएगा। शक्तिनगर सोनभद्र की बात करें तो वहाँ का भी रनिंग ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा, एकदम मक्खन जिसको बोलते हैं, मक्खन है वहाँ पे। तो बस आप लोग जाइए, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से। अगर सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन आ रहा था कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ, आधार कार्ड लेके जाइएगा, अपना 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा और एडमिट कार्ड जो आया है पीएसटी का वो एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। और हाँ, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो झारखंड स्टेट जैसे हमारा हो गया या फिर किसी भी स्टेट का नहीं लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा सेंट्रल का लेके जाना है क्योंकि ये बहाली सेंट्रल पे है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर देखेगा तो सेंट्रल पे देखेगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि लोगों को मदद मिल सके। और एक शाम का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि उसमें हम लाइव प्रूफ बताएंगे कि एक बच्चा पास हो गया जिसका
हाइट जो है 171 था, मतलब 1 सेंटीमीटर ज्यादा था और वो पास हो गया। और एक बच्चा ऐसा भी है जिसका चेस्ट 169.7 है, 0.3 के चलते उसको चेस्ट में और हाइट में छांट दिया गया। तो प्लीज आप लोग ये गलती मत करिएगा, शाम वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें और कुछ हम टिप्स भी दिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।